जय भीम साथियों, मैं शकुन बौद्ध। और जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा बहुत बड़ा पर्व आने वाला है बुद्ध पूर्णिमा, और इस बुद्ध पूर्णिमा को हम बैसाखी त्रिविधिक बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। तो सबसे पहले तो समतावाद चैनल के माध्यम से मैं आपको और आपके परिवार को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक मंगल कामनाएं देना चाहती हूँ। साथ ही बताना चाहती हूँ कि इस पर्व को हम त्रिविधिक बुद्ध पूर्णिमा क्यों कहते हैं। इस दिन तथागत बुद्ध का जन्म हुआ था 563 बीसी में लुम्बिनी वन में, और इसी दिन यानी कि 6 साल की कड़ी तपस्या के बाद तथागत बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, और इसी दिन तथागत बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ। तो ये जो तीनों घटनाएं, यानी कि इसी दिन उनका जन्म हुआ, इसी दिन उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और इसी दिन उनका महापरिनिर्वाण हुआ, इसी की वजह से इसको त्रिविधिक बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। बुद्ध का मतलब जो होता है, बुद्ध का अर्थ ही समता, समानता, बंधुता, करुणा और मैत्री, यही बुद्ध का अर्थ है। और बुद्ध ने सभी, न केवल भारत में, भारत के सभी जो नागरिक हैं उनको बताया कि करुणा क्या होती है, समता क्या होती है। और तथागत बुद्ध के समय में यहाँ सिर्फ प्यार ही प्यार था, करुणा ही करुणा थी, और कोई भी भेदभाव नहीं था। क्योंकि तथागत बुद्ध कहते थे कि अपो दीपो भव, यानी कि अपना दीपक स्वयं बनो। तथागत कहते थे कि कोई भी बात को इसलिए मत मान लेना कि वो किसी ग्रंथ में लिखी हुई है, या वो तुम्हारे पूर्वजों ने बताई, या वो किसी कोई भी आपको बताकर जा रहा है, या मैं भी आपको कह रहा हूं। किसी भी बात को इसलिए मत मान लेना, बल्कि इसलिए मानना कि जब तक वो बात आपकी बुद्धि की कसौटी पर खरी ना उतरे, तब तक किसी भी बात को मत मानना। ऐसा तथागत बुद्ध कहते थे, क्योंकि तथागत का मतलब भी होता है जो तथ्यों पर आधारित हो, यानी कि सभी बातों को तथ्यों के माध्यम से कहना। इसीलिए उनके जो धम्म को वैज्ञानिक धम्म भी कहा जाता है, और धम्म का मतलब भी होता है मार्ग, यानी कि जो मार्ग तथागत बुद्ध ने हमको दिखाया करुणा, मैत्री, भाईचारे का, वो मार्ग हम सबको अपनाना चाहिए। और आज कोरोना की स्थिति में, या जो परिस्थिति देश में चल रही है, करुणा, मैत्री, समता, भाईचारा, इन सब की कमी मुझे दिख रही है। तो हम सबका फर्ज बनता है कि तथागत बुद्ध के बताए हुए रास्ते को समाज में स्थापित करें, उनके जो विचार है उनको जन जन तक पहुंचाएं। और क्योंकि तथागत बुद्ध को करुणा का सागर, महासागर कहते हैं, और उन्होंने सभी के प्रति करुणा दिखाई, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे वो इंसान हो। और तथागत बुद्ध की इसी करुणा और मैत्री और भाईचारे की जो नीति थी उनकी, इसी वजह से आज पूरे भारत का नाम जो है अच्छे देशों में गिना जाता है, यानी कि पूरे वर्ल्ड में भारत की एक अलग पहचान है तथागत बुद्ध की वजह से। तो तथागत बुद्ध के जो विचार हैं उनको हम आत्मसात करें, और दूसरों को भी करुणा भाव, समता, मैत्री, स्वतंत्रता, बंधुता, यही समाज में स्थापित होना चाहिए। क्योंकि हमको इस भारत में बुद्ध की जरूरत है। आज हर कोई अपने फायदे के लिए तरह तरह के अंधविश्वास, पाखंडवाद फैला रहा है, जबकि हम सब जानते हैं कि किसी, ना कोई अंधविश्वास काम आया, ना कोई पाखंडवाद आया, ना ही कोई ईश्वर, ना अल्लाह, ना इस तरह के कोई भी भगवान, देवी देवता जिनको ये मानते आ रहे, उन्होंने कोई आपकी हेल्प नहीं करी। अगर हेल्प कोई करता है, मदद कोई करता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक इंसान दूसरे इंसान की मदद करता है।
तो विज्ञान आपके साथ है, विज्ञान आपकी मदद करता है, इसीलिए तथागत बुद्ध के धम्म को वैज्ञानिक धम्म कहा जाता है। तो हमको बुद्ध चाहिए, और हमारा क्योंकि बहुत बड़ा पर्व है, बहुत ही पवित्र दिन हम इसको कहते हैं, और ये पवित्र दिन अभी 26 मई को आने वाला है, आज से 2 दिन बाद। तो हम अपने घरों में लॉकडाउन के चलते अपने घरों में इस पर्व को बहुत ही धूमधाम से मनाएंगे, और अपने घर को दीपों से सजाएंगे, फूल मालाओं से सजाएंगे, और बुद्ध वंदना करेंगे। अपने घरों में बैठकर बुद्ध इस धम्मा का पाठ करेंगे। तो इस तरीके से हम अपने घरों में इसको मनाएंगे, और आप सभी से भी अपील करती हूँ कि इस पर्व को खूब अच्छे से धूमधाम से मनाइए। और दिन भी बहुत अच्छा है, बुद्ध और बुद्ध की खीर, बुद्ध को हम खीर बनाएंगे और खीर बना के अपने बच्चों को खिलाएंगे। सभी बहुत धूमधाम से इस पर्व को मनाएंगे। तो सभी को एक बार फिर से बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक मंगल कामनाएं। नमो बुद्धाय, जय भीम। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समतावास टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें। सबसे पहले हमारी वीडियो देखें।